संसद के मॉनसून सत्र का छठा दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया है, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही कुछ देर तक सुचारू रूप में चली है, इसके बाद यहां भी हंगामा शुरू हो गया है। वहीं एनडीए सांसदों ने मोदी मोदी के नारे लगाने भी शुरू कर दिए। सीकर के दौरे पर है, जहां उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं को शिलान्यास लोकार्पण किया। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है, आज प्रदेश को एक साथ 13 मेडिकल कॉलेज की स्वागत मिलने जा रही है। इसके अलावा उन्होंने किसान सम्मान निधि की किश्त, पीएम प्रमाण योजना और किसान स्मृति केंद्र की शुरुआत की। करीब एक हफ्ते तक कमजोर रहने के बाद पिछले 2 दिनों से एक बार फिर मॉनसून सक्रिय है। इसके कारण फिर से मॉनसून की गतिविधियों में तेजी आ गई है। इसी कड़ी में आज भी देश के कई हिस्सों में हल्की सी भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में भी मणिपुर जैसी घटना सामने आई है। यहां एक थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के बाद एक किशोरी को नर्व अस्त्र करके मारपीट का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, आरोपी ने इस घटनाक्रम का वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार की गई और उसके साथ मारपीट भी की गई और उसका एक वीडियो भी बनाया। इस संबंध में तहरीर पत्र पंजीकृत किया गया, जिसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। युवती का बयान 64 का बयान दर्ज कराने और मेडिकल परीक्षण कराए जाने की कार्रवाई प्रचलित है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। मास्टर डिग्री करने अमेरिका गई हैदराबाद की एक छात्रा, शिकागो की सड़कों पे भूख से मरती पाई गई है। मामले की जानकारी के बाद छात्रा की मां ने बेटी को वापस लाने के लिए भारत सरकार से मदद मांगी है। पर वहाँ भी मैं आपकी हेल्प करता हूँ कैसा भी, आप अच्छा। ओ, पानी पियो, खाओ आप, इतना कुछ जो है जरिया बनाएंगे। और वो दाल और वो रोटी का बोलता हूँ मैं वहाँ होटल पे। देखो आप वो पालक ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल AM News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।